दाल कैसा है भाई? तो दाल पैकेट वाली लेंगी 130 रुपये, खुली लेंगी 100 रुपये। पर हमारे तो सभासद भैया बता रहे कि दाम कम हो गई है। माल आ ही नहीं रहा बाहर, सब कम कहाँ हो जाएगा। अखबार में पढ़े रही क्वालिटी देखी है पैसे। जो 130 वाली और उससे बाबू भैया बता रहे हैं कि चाहे कोई भी दाम रहे कम दाम पे ही मिली। तो कहाँ पे रेट मिली कुछ बताई नहीं, कहीं अखबार में निकली रही। कहाँ निकली रही बताओ ना, कहे कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी दाल ले 78 की दाल 82 से 85 मिली। अरे हम पर्चा बना के दे रहे हैं ना, आप क्या घबरा रहे हैं? आप और भैया तनिक तेल पाउच वाला दे दीजिए। पाउच वाला तेल पाउच में करवा तेल पाउच में। अच्छा बोतल ही दे दीजिए। बोतल वाला 10 रुपया में है, 115 रुपये। और चीनी भैया 40 रुपये। हम ले तो हमको भी यही सब दाम दे ही। चाहे जो लीजिए, चाहे जो व्यक्ति हमारे लिए रिक्शा वाला आएगा वो भी हमारे लिए कस्टमर है। मीडियम है सुपर कौन सी देंगे? नहीं, असल में पेपर में पेपर में छप गया है, लोग आवत है तो वहाँ सस्ती वाली पूछत है। डीएम साहब जानो पेपर छपवाए दिन की जो सत्ता जो मीडियम से ऊपर वाली रही वो भी अखबार निकली हुई 78 मिली। अब हम मालिक को ये बताओ कि हम वहाँ पर कहा दे गरीब को, वो कहा था कि तुम 78 की दाल अच्छा ला हमें दे, हमें सब मांग थे हमारा हमारा पति हॉस्पिटल में हमको ला के दे। तो भी झूठे छपवाए दी मीडियम साहब। हाँ क्या सुन रहे हैं अभी अगवा हो तो फुटकर नहीं ले जाए, फुटकर कहाँ गेट पे जाएगी? अरे हम ये दिखाई दे तो उधर भैया फिटकर दे रहे हैं, हमको बोरी चाहिए। भैया बताओ तो 28 रुपए में दाल लग जाए। हाँ 88 रुपए में लगा दाल। अच्छा ठीक है, एक बोरी निकाल चलिए भीड़ भाड़ लगा सामने। अरे एक बोरी उठाई दो यार, एक बोरी उठाई दो। सिटी मजिस्ट्रेट ने जब दुकानदार से जिलाधिकारी द्वारा तय किए गए मूल्यों के बारे में बताया तो दुकानदार ने कैसा बहाना बनाया, आप खुद देखिए। दादा बोरी कितने की दे अरहर की? दादा चौबीस तारीख से बीच में पहले कस्टमर आए जो दुनिया कानून में बताओ। नहीं भैया हम समझा रहे कि अच्छी क्वालिटी का सामान रखे हुए हैं, तभी तब से अभी एक बोले उसके बाद ये बोलना शुरू कर दिए। और भैया क्या हाल है? वो रखेंगे वो जो पैकिंग करने नहीं जब पे आते हैं। नहीं भैया वो आपको मार्केट में ही मिलेंगे। आप वहाँ खड़े क्यों नहीं खड़े होते हो भाई? अरे गलती हो गया भैया। चलो शर्मा किराना स्टोर के बाद सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी अपने दल बल के साथ कैलाश नाथ की दुकान पर पहुंची। खुदरा की जगह फुटकर भी दे रहे थे, इनके पास फुटकर का लाइसेंस नहीं है। अब आप बयान करेंगे कोतवाली में। कितने किलो लेने आए थे? 5-10 किलो दाल लेने आए थे, कितना पैसा देने आए थे। क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। किस कहाँ के रहने वाले हैं? सुभाष नगर। पिता का नाम क्या है? इन्होंने मना नहीं किया आपको फुटकर देने से? अभी हम आए थे, मना कर दिया। अभी हम लेके गए थे, सबको दे रहे थे। ऐसे दिए दाल जब तुम्हारे यहाँ खुदरा का काम है? मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ही लेके गई थी तुम्हारे यहाँ से। लाइसेंस है खुदरा का तुम्हारे पास? तुम दाम बढ़ा करके कैसे दे रहे हो? डीएम साहब के दाम से बढ़ गया और मुझे अंग्रेजी समझा रहे हो? यही रेट पूरे मार्केट चल रहा है। तुम्हारा दिया इनका निकलवाइए वो फ्लैट। यही दाम है, हमने कहा कि डीएम साहब निकलवाए हैं अखबार में कि रेट घट गया है। हमारे सभासद भैया बताए हैं, तब भी तुमने कहा कि नहीं रेट यही मिलेगा, लेना है तो लो।
एक चीज का दाम ज्यादा था क्योंकि उसने ज्यादा रेट में पहले से ही खरीदा था, उस पर हम लोग केवल कठोर चेतावनी करने की कार्रवाई प्रस्तुत करेंगे। गिरफ्तारी काफी लोगों की हुई है, इस दुकान से 3 लोगों की हुई है, पिछली दुकान से भी 2 लोगों की हुई है और जिसपे चेतावनी हो रही उससे एक, कुल मिला के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने जिलाधिकारी और एसपी सर को देना चाहूंगी कि वो इतनी तेजी के साथ हर चीज पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। मैम कुल कितनी दुकानें सील हुई हैं? 2 दुकानें सील हुई है और तीसरे को बंद कराया गया है चेतावनी के साथ। कोई गोदाम भी है इसमें? हाँ, एक गोदाम है जिस दुकान के सामने आप खड़े हैं, इनका गोदाम सील किया गया। मैम कितने ओवर रेटिंग थी, कितने परसेंट तक? जो डीएम सर ने रेट निर्धारित कर रखा है उससे लगभग 5 से 10 रुपए बढ़ा करके ये दे रहे थे हम, रोज के बाद भी दाम कम नहीं कर रहे। मैडम इसमें थोक की भी कोई दुकान नहीं? सब रिटेलर है, एक थोक की है जो की काफी बड़ी दुकान है और एक रिटेलर है जो भी बता। लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले 3 दुकानदारों के ऊपर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया और दुकानों को सील किया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण चीजों के दाम निर्धारित कर दिए गए थे, लेकिन उसके उपरांत भी कुछ दुकानों से लगातार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। कल से लगातार हमारी पुलिस की एलआईएम टीम लगी हुई थी और कुछ दुकानों से शिकायत प्राप्त हुई कि वाकई उनके द्वारा रेट बढ़ा के दिया जा रहा है, जिसके क्रम में आज मेरे एसडीएम सदर और सीओ के द्वारा सामान्य वेशभूषा में स्कूटी से जाकर के स्वयं आम आदमी की तरह सामान को खरीदा गया, उसका वीडियो बनवाया गया तो पाया गया कि उनसे एक गरीब व्यक्ति की तरह अनुरोध